गई है टू सपोर्ट मुकेश मुकेश छाबड़ा जी के साथ हमने काफी वर्कशॉप करी है अपनी पिक्चर एक विलन जो निकल रही है उसके लिए भी वर्कशॉप करी उनके साथ आई थिंक उनके जो मेथड है काफी अलग है काफी टेढ़े से हैं उठपटांग से चीजें कराते हैं तो आई थिंक जब हर किसी को मौका मिले एक पिक्चर से पहले टू गेट टू नो द स्क्रिप्ट एंड गेट टू नो द एक्टर तो मुकेश बहुत अच्छे हैं उसके लिए एंड टुडे वी हैव टू सपोर्ट हिम एंड वो खुद बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं तो उनको पिक्चर करनी चाहिए आई थिंक मुकेश को एक्चुअली तीन पति के टाइम से जानती हूँ और पहले भी काफी वर्कशॉप किए हमने साथ में और जैसे सिड ने कहा द वे ही टीचर्स एंड हिज मेथड वो काफी अलग है और उठपटांग चीजें कराते हैं हमसे बहुत सारे फन चीजें कराते हैं और एक विलेन के लिए भी उन्होंने हमें ट्रेन किया था इकट्ठा तो स्क्रिप्ट के साथ जुड़े हुए थे हम अपने कैरेक्टर्स में वी कुड ही ट्रेन्ड अस for that and we wish him all the best for this new workshop of his and hope he is successful as always I think aisa nahi mukesh acting workshops ke bajaye ek casting director bhi hai to unne kafi naye naye faces ko launch kiya hai and aaj I think itne producers aur itni picture ban rahi hai ki har kisi ko mauka mil sakta hai main khud yahan khada hu jahan pe I got launched with Dharma Productions jo ki sabse bada launch hai sabse interesting launch tha last 3 saalon mein तो आई कांट कंप्लेन ऐसा कि नहीं है कि बाहर के लोग नहीं आ रहे आई थिंक कितने नए नए फेसेस हैं कितने नए नए जो लोग हैं जो इंडस्ट्री के फैमिली से नहीं है तो हाँ ऑफकोर्स ये वर्कशॉप्स उनको सिखाती हैं कि आई थिंक कैसे हाउ टू गो अबाउट इवन एन ऑडिशन बिकॉज मुझे याद है जब मेरा पहला ऑडिशन था इतना खराब था इतना अजीब था कि आई थिंक उन लोगों को चार बार ऑडिशन करना पड़ा SOTY के लिए कन्विंस करने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक यार मुकेश व्हाट ही इज डूइंग इज ग्रेट आई थिंक ही इज सपोर्टिंग न्यू टैलेंट जो टैलेंट यहाँ से नहीं है जो टैलेंट को अवेयरनेस नहीं है एंड मुकेश की जो सेंस है एक ऑडिशन के लिए एक स्क्रिप्ट के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड होपफुली ही विल प्रमोट मेनी मोर फेसेस एंड मेनी मोर टैलेंट्स फ्रॉम दिस वर्कशॉप एब्सोल्युटली जैसे मुकेश जो कर रहे हैं वो नए टैलेंट को रिकग्निशन दे रहे हैं मौका दे रहे हैं एंड ही इज रियली सर्चिंग आउट फॉर ट्रू टैलेंट डजंट मैटर वेयर यू आर फ्रॉम वेदर यू हैव अ फिल्म बैकग्राउंड या आप कहीं से भी हो So, and he has a great eye for that. Whatever casting that he's done has been amazing and has been spot on. He's got this correct eye for the kind of character that he's looking for. And he finds something unique in every casting that he does. So, I think that's great. We scare casting couch. Very common thing. Why is it common? We've only been hearing it. I think it's very passe. मैंने तो actually काफी कभी ऐसा experience नहीं किया है. हम लोग सुनते ही रहते हैं. I think ऐसा को होता नहीं है. एक जमाना था या maybe एक किसी generation में होता था. आई थिंक आज इतना टेक्निकल हो गया नोबडी पुट्स मनी एट एनीबडी जस्ट फॉर सम पर्सनल फेवर्स आई थिंक आजकल जो है बॉक्स ऑफ बिकम फार मोर प्रेशराइजिंग देन व्हाट इट वाज बिफोर तो इतना आसान नहीं है आई थिंक अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप दो घंटा किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते तो आई फील मुकेश आप बताइए आपकी यहाँ पे जो कास्टिंग होती है उसमें काउंट भी इन्वॉल्व है नहीं यार मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं 100 करोड़ रुपए इंडस्ट्री के राइट कर रहे तो कास्टिंग आज को क्या करूंगा मैं एक पिक्चर में असिस्ट करा था माय नेम इज खान में उस पिक्चर में जो उनके हमारे डायरेक्टर थे करण जोहर साहब जो हमारे प्रोड्यूसर थे करण जोहर साहब उन्होंने मुझे और वरुण को देखा कि हम लोग कितना नौटंकी है कितने अरमान थे हमारे एक्टर बनने के फिर उन्होंने मौका दिया एक ऑडिशन के लिए तो एक नहीं उन्होंने हमें कम से कम 6 ऑडिशन लिए 6 दिन तक चलता रहा वो हमें नचवाया हमें एक्टिंग करवाई हमें रुलाया कैमरे पे और फिर पूरा जो भी उनको लगा कि पोटेंशियल है या आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिज इंस्टिंक्ट हम लोग कुछ कर पाएंगे उन्होंने हम दोनों को लिया फिर आलिया के लिए एक लड़की के लिए ऑडिशन हुए बहुत आई थिंक 500 लड़कियां को चूज किया गया था उनमें से आलिया पिक करी गई तो हम सब ने मैंने वरुण आलिया ने ऑडिशन दिए जैसे कि हर एक्टर देता है आई थिंक सीधा स्ट्रेट वे पिक्चर आज तक किसी को मिली नहीं है सो या आई थिंक द ऑडिशन फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू नो एंड मुकेश जिस तरह सिखाते हैं आई थिंक एक किस्म का कम्फर्ट जोन इतनी बेवकूफियां कराते हैं अपने ऑडिशन में कि जो बाकी नॉर्मल ऑडिशन है वो ठीक लगता है तो कुछ बताइए मुकेश आप कैसे आपका प्रोसेस है मेरा प्रोसेस तो बहुत लंबा है पर अभी आपको बहुत लेट हो रहा है अच्छा। मेरा जो प्रोसेस है वो एक मैं 9 साल तक एनर्जी में पढ़ाता था एक कंपनी TI मैं वर्कशॉप करता था तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनने से पहले टीचिंग करता था मैं वर्कशॉप को जो एक्टर के साथ फन करता हूँ उसके हिसाब से सेशन को बनाता हूँ मेरा कुछ प्लान सिलेबस नहीं है मैं किसी इंस्टीट्यूट की तरह पढ़ा के नहीं लाता तो बहुत ही इनफॉर्मल सा सेशन होता है आई थिंक जब मैं वर्कशॉप शुरू करूंगा आई थिंक इजी नहीं अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है बिकॉज प्रोड्यूसर्स बढ़ गए हैं बिजनेस बढ़ गया है नंबर ऑफ फिल्म्स बीइंग मेड बढ़ गए हैं तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी ज्यादा है
इजी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप इफ यू आर ऑडिशनिंग फॉर समथिंग ओनली द डायरेक्टर प्रोड्यूसर और द कास्टिंग एजेंट सीज द पोटेंशियल इन यू तभी मिलेगा. तो वो आसान है कि नहीं, वो आपके ऊपर है कितने टैलेंटेड है आप. तो आसान है, अगर नहीं है तो फिर और मेहनत करिए. डेफिनेटली आई थिंक द नंबर वन थिंग दैट स्पीक्स इज टैलेंट. आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, कहां से भी आ जाओ, तो हार्डवर्क और टैलेंट विदाउट दैट आई मीन आई डोंट थिंक एनीबडी कैन गेट रिकग्निशन और बी सक्सेसफुल. आई थिंक वो जमाना चला गया है, कम अपॉर्चुनिटीज होते थे, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एंड पीपल लाइक मुकेश आर स्काउटिंग यू टैलेंट एंड ब्रिंगिंग देम टू द फोरफ्रंट. So it's great. She's really funny. I think I would like to. She's entertaining. Yeah, joy. She's unpredictable and she's a very interesting character. And she's a lot of fun. So I like that about her. ये मेरा एक idea था कि जितने भी actors Bollywood में, हाँ, जो जितने भी actors हैं वो actually उनको एक जगह नहीं मिलती कि कहाँ पर जाकर audition दें. वो लोग ढूंढते रहते कि right platform क्या है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है. तो यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई भी एक्टर आ सकता है. यहाँ पे वॉक इन करके दे कैन कम एंड गिव ऑडिशन. इफ दे रियली टैलेंटेड, उनकी अगर एक्टिंग में थोड़ी सी कमी है तो मैं कोशिश करूँ उन लोगों के साथ वर्कशॉप करके उन लोगों का फिर से ऑडिशन करूँ. और मेरी जो वर्कशॉप है वो वीकेंड वर्कशॉप हर वीकेंड में होगी और फिर महीने में 10 दिन की वर्कशॉप में करने वाला हूँ. और शुरू की जो पहली वर्कशॉप है वो मनोज वाजपेयी आगे कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहाँ जाते हैं. तो एक ऐसा क्रिएटिव स्कूल बनाने की कोशिश करें जहाँ पर सिर्फ टैलेंट होगा. वी नॉट एन एजेंसी, वी डोंट मैनेज एक्टर, we don't take commission, we don't handle, we don't handle actors. Anybody can walk in. Sarath Mehu ka actor hai, wo talented hai. I audition de aur ka. So no money, no charging, nothing. We just mai casting director hu, mujhe casting director ki jo fees milti hai, wo lohi kaafi hai. Koi fees nahi hai. No agent. Fir baat nahi honi to sir, main jab Wasipur kar raha tha to maine 10,000 actor ko audition kiya tha. Agar unko hi platform chahiye, agar main wo rasta ban sakta hu unke beech mein, to main to jaan laga dunga unke liye. Kyunki main khud ek choti jagah se aaya hu aur jab mera bhi yahan pe koi nahi tha, aaj mere saath mein sab bade bade director hain, sab star dost hain. तो मुझे ये सब मिला तो मैं चाहता हूँ वो सब लोग भी यहाँ पर आए, वो लोग भी इनके जैसे बने. दैट्स माय टारगेट. इट्स नॉट नेसेसरी, आपको सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना होता है. जो कि जो भी एक्टर होता है वो तो बचपन से ही होता है, आपको उसके आइडिया एक्सप्लोर करना होता है. कई बार कास्टिंग करेक्ट होती है, जिसको एक्टिंग नहीं भी आती, हमारे रोल के हिसाब से करेक्ट है तो उसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है. अगर हम एक्टिंग सिखाने जाएंगे तो लगे हमारा आइडिया की उसकी पर्सनलिटी को डेवलप करना है, ताकि एक्टिंग सिखाना. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन सम वर्कशॉप्स विद मुकेश फॉर आशिकी. And just by doing workshops and maybe spending 20 days with him, you get you improve a lot and it helps you a lot. So it's doing workshops is a big help. इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और एक्टरों को ग्रूमिंग करना, उनको एक्टिंग जानना और कैमरा के सामने एक्टिंग करना, थोड़ा ऑन होता है तो मैंने देखा है कि बहुतों की हवा निकल आती है. तो आई थिंक गाय लाइक मुकेश इज द राइट मैन टू हेल्प a talent through this process and make him professional enough and competent enough to face a camera. And it's very difficult, you know, to do it without any grooming. Jaise aapne kaha Bachchan sahab aur Dilip sahab, to matlab they're one in many centuries they are gone, you know. So I don't think you can use their talent as a barometer for what other actors' potential is and what they can. Kaipoche ke baare mein aur mujhe lagta hai ki Kaipoche jaise film bani hai wo shayad Mukesh ke bagair बन नहीं पाती, क्योंकि मैंने उनका पहले बार मुकेश ने मुझे ऑडिशन करके दिखाया और इसने उनके साथ कुछ 2-3 दिन काम किया होगा. मुझे पहली झलक में नजर आया कि ठीक है, सचमुच के दोस्त हैं या ये जानते हैं दूसरे को पहले से. इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज थ्री एक्टर्स दैट ही पुल टुगेदर फॉर मी एंड ही पुट दैट एंसेंबल टुगेदर फॉर माई फिल्म. हमने एक एक्टर को कास्ट किया, फिर दूसरों बाकी दोनों को बाद में नहीं किया. आंखों ने तीनों को चुना है, उभरती उसको नजर आई, फिर उसने उसको ठीक से खिलाया और फिर उनको मेरे सामने लेके आए. तो यू नो ही इज व्हाट यू कॉल अ रियल कास्टिंग डायरेक्टर. ये मतलब अपने इंडस्ट्री के दोस्त हैं उनको कास्ट नहीं करता है, सिर्फ स्टार चिल्ड्रन को कास्ट नहीं करता है, ये एक्टरों को कास्ट करता है. ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है मगर ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा फेवर है इस इंडस्ट्री के लिए. एंड यू नो बिकॉज हम ज्यादातर यही देखते हैं कि नामचीन लोग या उनके उनके बच्चे उनके रिश्तेदारी आते हैं, वो वहीं पे प्रपोजल बनता है. मगर फिल्में उनसे नहीं बनती, फिल्में सही अच्छे कलाकारों से बनती है. एंड ही इज द मैन, आई मीन ही इज प्रोबब्ली द ओनली वन आई नो हु कैन डू इट द वे ही डज. इंटरफेरेंस तो होगा ही, बिकॉज वो उनका दखल अल्टीमेटली डिसीजन. तो एक्चुअली मुझे लगता है कि बिना डायरेक्टर के तो फिल्म बना ही नहीं सकते, तो दखल अंदाजी नहीं होती. क्योंकि अगर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक ही काम रहता है कि अगर मैं अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी, अभिषेक कपूर इन सब बड़े डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ या इम्तियाज अली, तो मुझे उनके विजन को पूरा करना है. बिकॉज इम्तियाज जिस तरह सोचते हैं मुझे इम्तियाज की तरह सोचना है, अभिषेक जिस तरह से सोचते हैं मुझे उनकी तरह सोचना है, राजू सर जिस तरह सोच रहे हैं मुझे उनकी तरह सोचना है. तो
तो उनका उनके विजन था कि मैं उनकी लाइफ को जी रहा हूँ, उनके नजरिए से फिल्म को देखता हूँ, उनके हिसाब से कास्टिंग करता हूँ, क्योंकि मैं अपना विजन नहीं डालता, उनको ऐसा विजन चाहिए वो मैं सुनता हूँ उसके हिसाब से कास्ट। अनुराग कश्यप, इंदिराज अली, अभिषेक कपूर, राजकुमार रानी, जिन लोगों के साथ काम करता था, मुझे सबकी तरफ सोचना अच्छा लगता है, बिकॉज मैं एक साथ तीन से ज्यादा फिल्में करता हूँ, तो मैं सुबह राजकुमार हिरानी की तरह सोचता हूँ, शाम को अभिषेक कपूर की तरह। इंसान इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट शुरू करता है तो इतना ही डिप्लोमेटिक। कास्टिंग इज नॉट जस्ट कास्टिंग वन मेन एक्टर एंड कास्टिंग एवरीवन अराउंड। आई डोंट, एटलीस्ट इन माई केस आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट अ कास्टिंग डायरेक्टर। सो एवरी टाइम आई मेक अ मूवी इट्स अ कम्प्लीटली न्यू लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। आई हैव नेवर वर्कड विद सच बिग स्टार्स बिफोर, सो फॉर मी दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस। बट I pick these actors, these stars, because the kind of story I'm telling, the kind of narrative that I require, it needs stars of that stature and actors of that caliber combined. But, you know, I don't cast one particular actor and then cast the rest. It's like you need to make sure in your head, in your imagination, that the chemistry between certain actors will also work. So if I cast maybe, let's say Aditya, I need to cast someone opposite him who the chemistry will jam with. If I cast the wrong face opposite him, then in my head the chemistry will not work, so I might not cast Aditya and cast the other person. But I need to make sure that all three of them have to sit well together. So that's where I come. So far we've had a pretty smooth sailing and we've not had any issues. I mean, he comes up with some really fabulous suggestions, I have to give it to him. We've never had these banters or any unpleasantness or any serious disagreements, but even if we did, I think my vote would count.